क्या आप मुमरा में प्रॉपर्टी देख रहे हो? तो मैं आपको यहाँ मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK चाहे शॉप ले सकते हो। फिलहाल हमारा जो लोकेशन है वो शील थाना की तरफ है। यहाँ से आपको कटाईनगर का एरोली ब्रिज हो गया, या आपको मेट्रो स्टेशन हो गया, या आपका बुलेट ट्रेन स्टेशन हो गया, सारी चीज़ आपको वॉकिंग डिस्टेंस से मिल जाएगी। स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेज और आपके एमिनिटीज के स्विमिंग पूल तक यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे ऑफर डिस्काउंट बहुत अच्छे चल रहे, 10% डाउन पेमेंट एंड 90% आपको लोन तक फैसिलिटी अवेलेबल है। तो ज्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पे कॉल करें और अगर कॉल बिजी आए तो व्हाट्सएप करें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार। कल 16 मार्च को मुमरा शहर में राहुल गांधी का आगमन होने वाला है और काफ़ी तैयारियां जोर शोर से चल रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में ही देखा जा रहा है कि आपसी मतभेद सामने आ रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस के नेता हैं वसीम सैयद, उनसे बात करेंगे। वसीम भाई, राहुल गांधी कल मुमरा आ रहे हैं, तैयारियां जोर शोर से आप लोगों की चालू है, लेकिन ऐसे में आपके ही पार्टी में गुटबाजी हो गई है। नहीं नहीं, गुटबाजी नहीं हुई है। कैसा है कि राहुल जी से प्यार इतना है लोगों को कि उनके आने का स्वागत जो है वो हर कोई करना चाहता है, और इसमें उनके किसी को ऐसा लगने लगा है कि भाई मेरे से ज़्यादा सामने वाले को मौका मिल रहा है, तो उसकी वजह से वो चाहता है कि मैं ज़्यादा काम करूँ। अब कुछ लोग होते हैं कि जो काम नहीं कर रहे हैं लेकिन बयानबाजी कर रहे हैं, तो ये चलता रहेगा। राहुल जी के आने की तैयारी इतनी ज़ोर शोर से चल रही है कि हर कोई, रमज़ान के रोज़े होने के साथ हम भी मतलब पूरी तरीके से इन्वॉल्व हैं, और कई लोगों ने ना मतलब हमसे ये बात के लिए आग्रह किया हुआ है कि हमको राहुल जी से मिलना है। मैं आपको बताता चलूं कि बोरी समाज की तरफ से लोग जो है वो आकर के मिलना चाहते हैं, शिया समुदाय की तरफ से कुछ लोग जो है वो यूपी में जो चेयरमैनी का इलेक्शन होता है वो लड़े हुए हैं, उनकी इच्छा है वो लोग आके मिले। हॉकर्स लोग की तरफ से हमारे को मांगे आ रही कि हमको आके मिले, तो हम तो डर करके अब ये सोच रहे हैं कि हम अपने आप को पीछे कर ले ताकि आम पब्लिक जो है कि हमारे लीडर राहुल जी, हम तो उनसे कभी भी मिल सकते हैं, लेकिन राहुल जी का जो मकसद था लोगों को इंसाफ दिलाने का, न्याय दिलाने का, उसके लिए जब लोग साथ में आके जुड़ना चाहते तो एज ए कार्यकर्ता हम लोग अपने आप को पीछे कर लेंगे और इनको आगे जाने का मौका दें। थाने में भी कांग्रेस के पदाधिकारियों की मीटिंग हुई और ये भी कहा गया कि लीडर राहुल गांधी आ रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो जितेंद्र आभाट ले रहे हैं। कौन होते हैं जितेंद्र आभाट प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने वाले, इस तरह की जो है बातें कही जा रही है। अच्छा, वो नहीं, कैसा है कि जितेंद्र आभाट आ रहे हैं तो वो अपनी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे होंगे, और इंडिया है, संयुक्त है, हम लोग साथ में हैं सब लोग। आपको अगर लेना है आप लीजिए, हमने ली प्रेस कॉन्फ्रेंस, कल हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है, आज फिर 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे, तो आरोप प्रत्यारोप का टाइम नहीं है, ये टाइम है काम करने का, मिलजुल कर आगे बढ़ने का। देखिए सामने बीजेपी जो है वो मिल करके काम कर रही है, आपको ये बात समझना होगा। बीजेपी वाले अपने साथी अलायंस को साथ में लेकर काम कर रहे हैं और वहाँ पर एक डिक्टेटरशिप चालू है, यहाँ पर हम मोहब्बत के अंदर हैं। वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि यहाँ पर आप जितने भी कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता यहाँ पर मुमरा में हैं वो जितेंद्र आभाट के साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं, और थाने में जो है पदाधिकारी कांग्रेस के वो जो है जितेंद्र आभाट के खिलाफ में है कि जितेंद्र आभाट क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं, राहुल गांधी आ रहे तो ऐसा उनको ये प्रतीत हुआ होगा। देखिए वो उन्होंने एक अपना स्टेटमेंट दिया है और मैंने वो स्टेटमेंट देखा भी नहीं है, और मेरे को नहीं लगता कोई इसके ऊपर ज़्यादा टिप्पणी करने का वक्त है, क्योंकि ये वक्त है ना आरोप प्रत्यारोप का नहीं, ये वक्त है ना काम करने का, ये वक्त है राहुल जी के आने के लिए स्वागत करने का है। तो हम लोग सब तो उसमें बिजी, हमारे पास इतना वक्त नहीं कि हम ये सब बयानबाजियों के अंदर ध्यान दें। रही बात जितेंद्र आभाट की, तो जितेंद्र आभाट इस असेंबली के MLA हैं, तो एज ए प्रोटोकॉल जो है वो राहुल जी की तरफ से, मतलब जो कॉन्वॉय है उसकी तरफ से उनको भी इंटीमेट किया गया, उनको भी एक जिम्मेदारी दी गई है, वो भी हमारे साथ कम्युनिकेशन के अंदर, ना सिर्फ जितेंद्र आभाट कम्युनिकेशन में, उनकी पूरी टीम में से बहुत सारे लोग हैं जो आ रहे हैं हमारे से मिल रहे हैं, हमारे साथ मिल करके काम कर रहे हैं। कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं उनमें आपस में मतभेद है या नहीं है? नहीं नहीं, पद थाना कांग्रेस के अंदर तो नहीं है, मैंने नहीं देखा, मैं नहीं मानता हूँ कि थाना कांग्रेस के अंदर कोई मतभेद है। अब अगर कोई बहुत बड़े पदाधिकारी होंगे और उनकी तरफ से कुछ बात हुई तो आई डोंट नो। एक वीडियो आपकी काफ़ी वायरल हो रही है, जैसे अभी राहुल जी की तस्वीर है और इसको आप बहुत एकदम धुल रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं, लोग सवाल उठा रहे हैं कि आप कभी जो है अपने
पूर्वजों को इस तरह से नहीं धुले उले होंगे, साफ सफाई नहीं की। नहीं, देखिए कैसा है कि ये उस वक्त ऐसा था कि हमारा अब्बू जो है छोटा भाई जैसा है हमारा, इस ऑफिस को पूरा वही मेंटेन करता है। उसके घर में कोई मसला होने की वजह से वो 2-3 दिन नहीं आया था। जब मैं आया तो देखा कि ये इस जगह अभी भी यहाँ पर मतलब साफ़ सफाई होती है। अब ऐसा नहीं है, रमज़ान का महीना है, जैसा आप अपने लिए अपने भाई के लिए सोचते हो वैसा खुद के लिए सोचो, ये सिंपल सी बात है। तो अब्बू साफ़ करता था, उस दिन मैंने साफ़ कर लिया। अब मैंने साफ़ कर लिया तो किसी ने वीडियो निकाला, वीडियो निकाल के अपलोड हो गया। वो एक पूरा मतलब ये राहुल जी को तो मतलब दिखाई दिया, यहाँ पे ये पूरा साफ़ होता है। आप देखेंगे अभी भी साफ़ हो रहा है वहाँ पे, थोड़ा ऊपर जो कबूतर वगैरह है वो थोड़ी सी गंदगी कर देते हैं। तो ये हमारा ऑफिस है, हमको इसकी साफ़ सफाई रखना हमारी जिम्मेदारी है। अब लोगों को बोलने के लिए तो कोई ना कोई मौका चाहिए। क्रिटिसिज्म जो है वो हेल्दी हो, रॉन्ग क्रिटिसिज्म नहीं हो, ये मेरा मानना है। तो आपने सुना कि राहुल गांधी का कल मुंब्रा शहर में आगमन है, जो यात्रा है न्याय यात्रा, वो कहीं ना कहीं मुंब्रा शहर से होकर जाएगी। और कांग्रेस में काफ़ी जो है मतभेद भी खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन वहीं वसीम सैयद जो है इस तरह के मतभेद से इनकार कर रहे हैं।